तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। लास्ट टाइम हमने शुभम अग्रवाल जी आपके साथ बातचीत किया था कि किस तरीके से एडवांस एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग का रोल होता है, फिर आपको एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था और आज हम उसी आर्टिकल को फॉलो करते हैं। तो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन दे दिया है और हम आते हैं अपने साइट पे। और हमने जो आपको भेजा था कल उसकी हम देख लेते एक बार। एक लिंक जो मैंने भेजा था उसी लिंक को मैं यहाँ ओपन करता हूँ। बेसिकली जो आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल था जो मैंने आपको दिया था, इसी आर्टिकल को हम फॉलो करते हैं। यही सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव जीरो और टेक्स्ट। किसको समझते हैं सबसे पहले, राइट? जैसे आपके किसी एक्सेल में हमने बताया था आपको कि आपने अगर कोई नंबर डाला, आप इसके आगे पीछे कोई प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना चाहते हैं, तो हमने बताया था कि इसके लिए आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एमआरपी दे देना है। एमआरपी था, एमआरपी दे दिया, इस तरह था, राइट? तो इसी में अगर मान लीजिए हमारा प्लस में, अगर मान लीजिए माइनस में आया तो माइनस एमआरपी शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माइनस एमआरपी शो ना हो, यहां पे डिस्काउंट शो हो, समझे? डिस्काउंट एमआरपी शो। तो यही बताया गया है कि हम यहां पे चार चीजें डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो यहां पे चार चीजें डाल सकते हैं। पहला हमने एमआरपी डाला, तो जो पॉजिटिव होगा उस पे एमआरपी आ जाएगा। फिर सेमी कॉलन डाला और हमने यहाँ पे डाला डी आई एस, तो जो नेगेटिव होगा उस पे डिस्काउंट आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे सेमी कॉलन डाला और डाल दिया फ्री, ये क्या होगा, जो जीरो होगा वो फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे कोई किसी तरह का टेक्स्ट हुआ तो स्लैश एन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ तो एमआरपी होगा, माइनस वाला नंबर हुआ तो डिस्काउंट दिखाएगा, जीरो हुआ तो वो फ्री दिखाएगा, और इसके अलावा कोई टेक्स्ट हुआ तो एनए आ जाएगा। लेकिन इसके साथ टेक्स्ट भी शो करना चाहते हैं या आप शो करना चाहते हैं नंबर, तो इसके आगे जीरो, सबके आगे जीरो या हैश देते चले जाएंगे। और इसके आगे अब टेक्स्ट में प्लस नहीं होगा, एग्रीगेट देना पड़ेगा, टेक्स्ट एग्रीगेट के लिए होगा। इसमें एक चीज समझनी थी, यहाँ पे हमने कहीं ये कंडीशन तो दी नहीं थी प्लस का मतलब एमआरपी है या माइनस का डिस्काउंट है, जीरो का। सेमी कॉलन इसका सेपरेटर है, जैसे फॉर्मूला में होता है ना, रही आते हैं तो उसमें कॉमा सेपरेटर होता है, तो इसलिए आप तो रीड कर लेता नहीं कौन लॉजिकल वैल्यू है, कौन रिजल्ट इज ट्रू है, कौन रिजल्ट इज फॉल्स है। अच्छा, तो ये अपने आप मतलब इसने पॉजिटिव माइनस में दे दिया तो डिस्काउंट, अगर हमने जीरो कर दिया तो फ्री, और हमने कोई टेक्स्ट डाल दिया तो आ गया एडमिट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसका यूज कहाँ होता है। इसके यूज तो बहुत सारे हैं, बट इसका यूज मैं अपने ऑफिस में करता हूं। जैसे नेम दे दिया पूजा, आप लोग जाते हैं ऑफिस में एक्सेस कार्ड लगाते हैं, डोर ओपन हो जाता है ना सर? हाँ जी। अगर मान लीजिए उस एक्सेस कार्ड के डेटा के बिहाफ पे अगर अटेंडेंस निकालना हो तो क्या होगा? अब एक्सेस कार्ड के बिहाफ पे एक्सेस कार्ड में ये बताएगा ना कि किस टाइम और डेट को पंच किया गया, ये डेटा आएगा ना सर? तो मान लीजिए कि मेरे पास डेटा एक आया हुआ है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से एक दिन में कितना बार डेटा को पंच किया है, समझे? यहां पे हमारा नंबर आ गया,
तो जिसने पंच किया है इसका मतलब है कि वो ऑफिस उस दिन आया है, जिसने जिसका जीरो है मतलब कि पंच नहीं किया मतलब वो कार्ड ऑफिस में, वो ऑफिस में आया ही नहीं। तो मुझे इस नंबर को पी और ए में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला लगाने के बजाय हमें बिजनेस प्रिंटआउट चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर दिया पी, यहाँ पे निगेटिव नंबर है तो उसका ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे ए कर दिया। जीरो का ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे? जीरो का ए कर दिया ना मैंने, तो नहीं वो टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए? तो टेक्स्ट में आएगा, चार थे ना उसमें पॉजिटिव टेक्स्ट, लास्ट में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं, डालना जरूरी नहीं है। अच्छा चारों दिया हुआ है तो चारों डालना जरूरी नहीं है। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो जैसे आपने नेगेटिव नहीं डाला तो उसको ब्लैंक छोड़ा, तो मुझे लगा जीरो नहीं डालेंगे तो उसका भी जीरो होगा। नहीं जीरो तो डालो सर, जीरो का तो ए है ना आपसे। अच्छा ओके ओके, अच्छा समझ गया, नंबर जीरो है ना। ठीक 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 ठीक, वो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट डालेंगे, जीरो तो नहीं है, छोड़ दिया मैंने। ठीक आ गया, यहाँ तक कि अब नीचे जो दिया गया है कि हम कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि रेड हो जाए, जो जीरो वाला है वो रेड हो जाए, तो मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में ही यहाँ जीरो से पहले रेड लगा दिया, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में। हो गया सर, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी। बाकी इसमें बताया गया है कि एक क्वेश्चन इसमें सिर्फ यही कलर, क्योंकि मैंने देखे थे ब्लू और रेड ही कलर ड्रॉप डाउन में आ रहे थे, हम कोई भी कलर ले सकते हैं कि यही दो कलर चलेंगे? नहीं, कलर का लिस्ट है, एक कलर ले सकते हैं, ब्लैक, ओके, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, चान, रेड। मुझे लगा आपने पढ़ा नहीं था इसको, ये वाला स्पेसिफाई कलर वाला नहीं पढ़ा था मैंने ऊपर, ये इतना कहां, ये मेरे में ये यहाँ, एक मिनट थोड़ा ड्रॉप डाउन आना, मेरे भी पूरा नहीं आ रहा था ये आर्टिकल। नहीं नहीं पूरा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया ना। इसलिए बोला गया है कि ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये जितने ऑपरेटर देख रहे हैं, इसको जो है हमें विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हम इसमें डाल सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं नहीं है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इसमें जीरो हैश और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो तीनों एक जैसा है। जीरो हैश समझाया था, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, जो डालेगा दिखेगा, जो ना डालेगा नहीं दिखेगा। ओके हाँ जी। अब यहाँ पे बताया गया एट द रेट, जैसे जीरो एंड हैश होता है नंबर्स के लिए, ऐसी क्वेश्चन मार्क एट द रेट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एम आर पी दिया होगा, कंपनी नेम है, ठीक है, तो मुझे एम स्लैश एस और फिर कंपनी नेम, यहाँ स्लैश फिर कंपनी नेम डालना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कंपनी नेम मुझे बार बार डालने की जरूरत ना पड़े, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कस्टम फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे हमने एम स्लैश एस डाला और एग्रीगेट कर। अब जैसे मैं कोई भी टेक्स्ट डालूंगा तो आगे एम स्लैश एस ऑटोमेटिक लग जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और एड्रेस है मान लीजिए, तो अब चाहते हैं कि मैं एड्रेस मोस्टली एक ही लोकेशन का है, दिल्ली का है या फिर दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया का है, तो आप यहाँ एड्रेस कर दीजिए और यहाँ पे न्यू दिल्ली 11001622 हमने कर दिया, पिन कोड अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए F101, और उसमें भी कंपनी नेम में भी आपने ऐसे ही किया था ना, एट मैंने इसमें बाद में लगाया था, इसमें पहले लगाया, इसमें टेक्स्ट पहले है और एट द रेट बाद में। ओके, और यहाँ पे एट द रेट पहले है और टेक्स्ट बाद में, ठीक है, मतलब एट द रेट एज अ सेपरेटर हो गया कि उसके बाद आपने क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने चेक नंबर लिखा, चेक नंबर का चेक का प्रिंटिंग का फॉर्मेट बना रहा था, उसमें क्या था कि जैसे मैं 500 कर दिया, तो अब 5000 कर दिया तो इतना जगह बच गया, तो इसको स्टार लगा दे,
होता है ना सर चेक प्रिंटिंग में। हाँ तो हमने क्या किया यहाँ पे एड्रेस दिया और दो बार स्टार किया। मैं कॉलन बड़ा करूंगा तो बढ़ जाएगा, छोटा करूंगा तो घट जाएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ उसमें हमारा पासवर्ड है, मैं चाहता हूँ पासवर्ड, मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप करूं बट यहाँ पे दिखे पासवर्ड की तरह, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम पे जाइए, दो इन्वर्टर कमा डाल दीजिए, बस दो स्टार डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल के एंटर मारूंगा, ठीक है, तो आ जाना चाहिए था। नंबर तो आ रहा है, चेक किया था यहाँ पे, नंबर में आ रहा है, टेक्स्ट भी आता है, मैंने जो किया हुआ है, एक मिनट से मैं बताता हूँ आपको, दिखा के मैं दिखाऊंगा, आता है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने किया हुआ है। आप में क्या था, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें भी ये दिखाया हुआ है। बताइए बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे समझ में आ गया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बाकी तो छोटी मोटी फॉर्मेट है आप तो खुद कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1000 अगर बता ही दिया था मैंने आपको, अब कलर, अब जैसे कि आप जो है कंडीशनल कलर भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 हो तो कोई और कलर आए, लेस देन 50 हो तो कोई और कलर आए, तो इस तरह की कंडीशन आप दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। आपको डबल कोटेशन मार्क में यहाँ पे पहले कलर देना है, फिर कंडीशन, सेमी कलर, सेकेंड कलर एंड सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे मैं नंबर प्लस में डाला तो ब्लू इसमें, और 100 से नीचे डाला, 100 ऊपर ब्लू एंड 100 नीचे ग्रीन, इसी जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। और कलर में आप एक कलर दे सकते हैं, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, सियान, येलो सियान एंड रेड, एक कलर दे सकते हैं, इसके अलावा और कलर नहीं दे सकते, ठीक है। उसके अलावा ये बताया गया है कि इस तरह का सैंपल के लिए आप इस तरह का सी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का सैंपल चाहिए तो अल्ट 0162 टाइप करना पड़ेगा, अल्ट नंबर की, नंबर की पैड का 0162 आ गया। इसी तरीके से आपको 063 करेंगे, अल्ट 063 करेंगे तो ये आ जाएगा, अल्ट 064 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये चीज ये दिखाया गया। अब बात करते हैं डेट फॉर्मेट, कल मैं डेट फॉर्मेट समझाया था ना आपको कि डी जो होता है यहाँ पे, हाँ जैसे
यहाँ पे एम, एम जो होता है मंथ के लिए, अगर आप सिंगल एम डालते हैं तो ए आपका 0 to 1 to के फॉर्मेट में आता है, डबल डालते हैं 1 to फॉर्मेट 0 to 1 to, जैन टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, अब 5 to 10 डाला तो जे से बी, मतलब कि फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ। उसके बाद यहाँ पे डी हो गया, डी बी हो गया, ऐसे डे के लिए भी सेम है, और फिर आपका ईयर के लिए। अगर मतलब एक में इसका मतलब ये है, वहीं पे अगर कस्टम फॉर्मेट में हम सिंगल एम डालेंगे तो वो 1 to 12 वो नंबर में देगा मंथ, अगर डबल एम में डाल दिया तो डबल डिजिट में देगा 0102 करके, फिर 3 एम में डाल दिया तो टेक्स्ट में आ जाएगा, 4 में फुल नेम आ जाएगा, 5 तो जरूरत पड़ती ही है, फिर डेज हो गया डे डी डी और फिर अच्छा ये डेज, ठीक है। टाइम की बात करते हैं, तो टाइम एच होता है आवर के लिए, एम होता है मिनट के लिए, एस होता है सेकंड के लिए, लेकिन इसमें दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कि आपने 35-34 घंटे 20 मिनट कर दिया, राइट। अब मैं इसको, अब मुझे मान लीजिए कि इसमें से मुझे आवर दिखाना है, तब बोलेंगे सर एच डाल दूंगा तो आवर दिख जाएगा, नहीं, क्योंकि वो 24 आवर से ऊपर का नहीं लेगा, उसके लिए आपको इसको स्क्वायर के अंदर में, स्क्वायर बाय के अंदर में इसको डालना, तो आवर देखिएगा, समझे। तो 24 आवर एम दे दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए बताया था कल आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट में एम डाल दीजिए कन्वर्ट हो जाएगा, एस डाल दीजिए कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और ये आपका फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही हमारी कस्टम फॉर्मेट है, राइट। ये हमने आपको अपने हिसाब से बताया कि क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल भी बताया, और इससे पहले और भी जितने कोड होते हैं वो सारे कोड हमने समझाया। अब बोलेंगे तो इसमें और भी तो कोड है, ये सब क्या, वही है 00 है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है भाई लास्ट डेट में लग जाए, ये दिया हुआ है पॉजिटिव है निगेटिव के लिए, ठीक है ना सर, ये पॉजिटिव और निगेटिव रेड हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव टेक्स्ट 0 सब दिया हुआ, चारों का पॉजिटिव दिया हुआ, ओके सर, ओके। अब आप हमें क्या करें, मुझे तकरीबन 10 एग्जांपल दें कस्टम फॉर्मेटिंग के, 10 एग्जांपल जो कि मैंने आपके क्लास में ना बताया, इसलिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। आज की क्लास हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के, और कस्टम फॉर्मेटिंग क्लास खत्म होने के बाद हम आपकी पिवट स्टार्ट करेंगे, कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि जैसे कि यहाँ देखिए सिंपल सा यहाँ मेथड है ऊपर दिया हुआ है, सर आपने देखा यहाँ नीचे देखा होगा, यहाँ दिखा हुआ ना, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर टू सेल एग्जाम्पल कलर सेटिंग देन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू सेल ऑन द होम सेल स्टाइल ग्रुप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब ये जो बता रहा है कि ये तो कंडीशन कस्टम फॉर्मेटिंग तो नंबर्स के लिए है, अगर इससे और ज्यादा और तरीके से फॉर्मेटिंग चाहिए तो कंडीशनल, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ठीक है। विदाउट इसमें नहीं कीजिए, कल हम आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं, नहीं अभी तो क्लियर है, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके, थैंक यू।